हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है स्पार्क्स के स्लीपर्स जिसका मॉडल नंबर है SFG58। ये कुछ टाइम पहले ही मुझे ऑनलाइन दिखना चालू हुए थे। लॉन्च कब किया था मुझे नहीं पता, बट ऑफलाइन स्टोर्स पे ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही है। मैंने ऑफलाइन भी ट्राई किया था बट नहीं मिला, तो ये मुझे मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने इसे ले लिया। अप्रॉक्सीमेटली ये मैंने 690 रुपये का ख़रीदा है और इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। 75 इसका MRP है और अप्रॉक्सीमेटली 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें तीन कलर आते हैं, ये जो वाला आप देख रहे हो कैमल ब्राउन, और दूसरा आता है ब्लैक ग्रे, और दूसरा आता है नेवी। मुझे ये वाला कलर चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, तो मैंने सोचा ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इसकी। चलो फटाफट से मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ एकदम सिंपल वे में, फटाफट से एकदम। ये देखो दोस्तों, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ही मेरे पास आया था बॉक्स में। ये रहा इसका बॉक्स। MRP देखो 775 लिखी गई है। 8 साइज मैंने लिया है, 8 या 9 ही मुझे एकदम परफेक्ट आ जाता है, तो इसके लिए मैं इन दोनों में से कोई भी एक ले लेता हूँ। फिटिंग में प्रॉब्लम आई तो चेंज कर लेता हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया है। नॉर्मली सारे स्पार्क्स के शूज़ या स्लीपर्स सब कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं। साइज़ के हिसाब से बॉक्स वगैरह चेंज होता है। शूज़ होता है तो बड़ा बॉक्स होता है, स्लीपर्स होता है तो कुछ ऐसे ही आता है। और ये देखो, ये नॉर्मल स्पार्क्स वाला थैला है जो कि कुछ काम का नहीं है, एक दो बार में ही टूट जाता है यूज़ करने पर। तो अब मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। दूसरे वाले स्लीपर को, सैंडल को ऐसे ही रख देता हूँ, ये एग्जैक्टली सैंडल जैसे ही है। ये देखो स्पार्क्स एक्टिव एंटी स्किड अल्ट्रा कुशन मेमोरी कंफर्ट सब कुछ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। और ये वाला जो टैग है वो हर एक स्पार्क्स के शूज़ के साथ आता है, मेंटेनेंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब सोल दिया गया है, डायमंड कट जैसे कुछ इसका सोल है, और डिज़ाइन इनका रजिस्टर्ड है ये स्पार्क्स का, और बहुत ही ज़्यादा ऑसम कम्फर्ट देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों, अंदर से भी बाहर से भी। और इसका जो अपर मटेरियल है वो एडजस्टेबल है, अंदर से देख लो कैसी फिनिशिंग के साथ आया है। अंदर भी स्पॉन्ज वाली पैडिंग लगी हुई है। ये नकली लेदर से बना हुआ है, मतलब सिंथेटिक लेदर से जिसे रेगजीन भी कहा जाता है, और पूरा एडजस्टेबल फिनिशिंग के साथ आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सैंडल ही है, सिर्फ इसमें पीछे बैक वाला वो नहीं है जो स्ट्रैप होता है, बाकी फुल ऑन सैंडल है। प्राइस इसका बहुत ज़्यादा लगा मुझे, 600-700 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपये रखते तो मुझे लगता है बेटर ऑप्शन होता क्योंकि स्लीपर के कैटेगरी में आया है। बट हाँ, वैसा कम्फर्ट भी देगा, सब कुछ सैंडल के जैसा ही है, बस पीछे वाला वो पट्टा नहीं है वो होता तो इसे भी सैंडल ही कहा जाता दोस्तों। और देख लो आप इसका सोल कितना मोटा है, इतनी अच्छी तरीके से चिपकाया है। मैं निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू से इसे बॉन्ड किया गया है। मुझे लग रहा था निकल जाएगा बट नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये EVA सोल है नीचे का, और ऊपर वाला कुछ रबराइज सॉफ्ट सोल दिया गया है जो कि पाँव के लिए बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। एक्सट्रीम कम्फर्ट देने के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। दूसरा वाला भी मैं उठा के चेक कर रहा हूँ कहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है ना। और हाँ, एक बात बता दूँ, मैंने ना इसका प्राइस थोड़े महीनों पहले अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपये देखा था, बट वो टाइम पे मुझसे डील मिस हो गया। बट ये लेना ही था मुझे, इसके ऊपर वीडियो बनाना ही था। अब आप देख लो कि ये कैसा लगता है पहनने में, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इसे कैजुअली जनरली पहन रहे हो तो ये आप कैसा लग रहा है आप खुद जज कर लो कि ये कैसा लगेगा आपके ऊपर। मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी होगी वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये कलर मैंने कभी लिया नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि ये कलर को भी ले लेता हूँ। और मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ इसके ऊपर गीला कपड़ा मार के 5-10 मिनट सुखा दो, हो गया, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे गंदे हो वैसे आप इसे क्लीन कर सकते हो एकदम सिंपल स्टेप से दोस्तों। और ये सैंडल की कैटेगरी में आया कि स्लीपर के कैटेगरी में मुझे समझा नहीं, ये एक फ़्लिप फ्लॉप ही है वैसे तो, बट सैंडल जैसा ही दिखता है, इसके लिए इसको फ़्लिप फ्लॉप मतलब स्लीपर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बेस वाइज तो ये फुल ऑन सैंडल जैसा ही है, कंफर्ट वाइज भी कुछ कुछ वैसा ही है। अब आप चल रहा हूँ मैं, देख लो आप कैसा लुक आ रहा है, ये आपके ऊपर कैसे लगेगा आप खुद जज कर लो। मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो।
दोस्तों इस सैंडल के स्लीपर के भी बहुत ही बढ़िया रिव्यूज़ थे, इसके लिए मैंने डिसीजन लिया इसको मंगाने का और इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट था। आप देख लो मैं भाग रहा हूँ तो कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, वैसे जॉगिंग वगैरह के लिए नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये कैसा लगेगा। भागते टाइम भी आप ट्रेन वगैरह भी पकड़ सकते हो इसको भाग के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने में वगैरह बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और मेरे पाँव पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। बट पर्सनली मुझे इतने ये पसंद नहीं आए क्योंकि ये 650-700 रुपये के हैं और 300 रुपये में तो बहुत अच्छे दिखने वाले स्पार्क्स के ही फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं, मतलब 300 से 400 के बीच में, और इसका प्राइस 650-700 रुपये। बट अपनी अपनी चॉइस है, अगर आप लेना चाहो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी पसंद से अपना पसंद का कलर चेकआउट करके ले सकते हो। मैं और भी शूज़ वगैरह के, सैंडल के, फ्लिप फ्लॉप्स के लिंक्स डाल दूंगा, वो भी चेकआउट कर लेना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों इनको लेने से पहले मैं बहुत सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिले। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी है ना कुछ दिन पहले मैंने रेड चीफ के शूज़ का भी रिव्यू किया है, जो कि मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है जिसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया शूज़ है, आप इन शूज़ को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप पार्टी में या फिर सेमी फॉर्मल के तौर पे, या फिर आप कोई भी ओकेजन के लिए शूज़ ले रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव हीरो शूज़ है, शो स्टॉपर है। इन पर भी एक बार ज़रूर नज़र डाल देना, मैंने इसका भी डिटेल लिंक शेयर करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप अच्छे से चेकआउट करो। ये भी बहुत बढ़िया 2500 के रेंज वाले शूज़ है, अगर आपका रेंज 2500 के आसपास है तो इसको ज़रूर कंसिडर करना। ये बहुत ही ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, मिनिमम इसकी लाइफ 2 से 3 साल है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी डील लगा। हाउएवर 2500 रुपये छोटा अमाउंट नहीं है, बट इसके क्वालिटी के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगा। MRP इसकी 4500 है, लेकिन प्राइस 2500 के आसपास ही चलता रहता है। दोस्तों आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी हो, मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप बटन दे दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी चेकआउट कर लो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।